सभी को नमस्ते, मेरा नाम है रूही चैनत। आज हम दुनिया की सबसे गर्म जगह पर हैं, जिसका नाम है लूट रेगिस्तान। और यह एक ऐसी जगह है जहां बेहद गर्मी होती है और पानी भी उपलब्ध नहीं होता, इस वजह से यहां कोई आता जाता नहीं है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम यहां के क्षेत्रों को भी एक्सप्लोर करेंगे। एक्वा सैटेलाइट पर इंस्टॉल किया गया नासा के मीडियम रेजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रोमाडोमीटर से पता चला है कि दुनिया की सबसे गर्म जगह लूट रेगिस्तान में है, जहां 2005 में तापमान 70.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। जैसे कि गैडमबेरियन, धरती की सबसे गर्म जगह जहां स्पेस से 70.7 डिग्री सेल्सियस तापमान मापा गया था। डार्क वॉल्केनिक रॉक से ढका हुआ एक विशाल मैदान, जिसकी सरफेस पर जीवन की कोई संभावना नहीं है। नासा ने कई वर्षों तक इसके सरफेस टेम्परेचर की जांच की है और उन्हें बार बार पहले जैसे ही परिणाम देखने को मिले हैं। ऐसी खतरनाक जगह पर जहां पर दुनिया में सबसे ज्यादा गर्म होती है, हम वहां पर कुछ ऐसी तस्वीरें खींचने वाले हैं जो हमने कभी भी नहीं देखी होंगी। हमारा पहला स्टॉप है शहदाद, जो हमारे रास्ते का सबसे आखिरी शहर है और यह रेगिस्तान के वेस्ट में ओएसिस नखलिस्तान में बना हुआ है। ऊंचाई की वजह से यहां जीवन मुमकिन है। यहां हवा का तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस है। अभी हमें बहुत लंबा सफर तय करना है। हम जितना आगे जाएंगे, मौसम उतना ही गर्म होता जाएगा। रेगिस्तान जाने से पहले हम यहां सैकड़ों साल पुराने शफी आबाद कारवां सराय देख सकते हैं, जो अखंडर बन चुका है। In this while the weather is so hot, we find some water and put our scarf or shamak in the water, national air conditioner, and put it on our head to reduce the temperature. So we need to record the track of going to the desert. There is a backup company which is following our GPS and our track, and if something happened to us, they immediately come to us. लूट रेगिस्तान दुनिया के सबसे ड्राई रीजन में से एक है। यहाँ पर हर साल 30 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है और पहाड़ों से बहता हुआ बारिश का ये पानी बस थोड़े समय के लिए ही यहाँ रहता है और बहुत ही जल्दी भाप बन जाता है। यहाँ कई सारे सॉल्टी लेक्स, नमकीन झीलें हैं, जो यहाँ की तेज गर्मी की वजह से सूख जाते हैं। दुर्भाग्यवश कुछ मौसमी पक्षी जब वे यहाँ से गुजरते हैं तो उन्हें बिल्कुल भी छाया नहीं मिलती है और वे गलती कर बैठते हैं। वे इन सॉल्ट लेक्स में आते हैं और पानी पीते हैं और अपनी जान गवा बैठते हैं। इससे पता चलता है कि कुदरत किसी पर भी दया नहीं दिखाती है। मुझे नहीं पता कि किस तरह का पक्षी है, इसे जाना नहीं जा सकता है। चलो आगे बढ़ें। रेगिस्तान में अच्छे से आगे बढ़ने के लिए हमने अपनी कारों के टायर का प्रेशर कम कर दिया है। अभी उबड़ खाबड़ वाले रास्तों में फटने नहीं चाहिए। हमने बस अभी अभी सड़क पर आगे बढ़ना शुरू किया है। आइए यहाँ की मिट्टी का तापमान देखें, 63.7 डिग्री सेल्सियस। मैं नहीं जानता कि अगले 100 किलोमीटर में मेरी क्या हालत होगी। आप देख सकते हैं कि छाया भी 45 डिग्री सेल्सियस है और अभी तो दिन की शुरुआत ही हुई है। I keep the phone cooler like this, with this ice like this. If it is got hot, it doesn't work. दो घंटों तक रेगिस्तान में घूमते घूमते हम आखिरकार इसके बीचों बीच पहुँच ही गए। लूट रेगिस्तान में इस जगह की ऊंचाई सबसे कम है और यह दूसरी सबसे गर्म जगह है। इस पॉइंट के बाद अगर हम 2 मिनट से ज्यादा समय तक बाहर रहने वाले हैं, तो हमारे हाथों सहित हमारा पूरा शरीर ढका हुआ होना चाहिए। लगभग 12 बजे गाड़ी से उतरते समय हमने सबसे पहले जमीन के तापमान को मापा। हमारे इंफ्रारेड थर्मामीटर ने 66.9 डिग्री सेल्सियस, 66.3 डिग्री सेल्सियस, 68.2 डिग्री सेल्सियस रीडिंग दिखाई। लेजर थर्मामीटर से 2 मिनट तक मापने के बाद ही उच्च तापमान की वजह से डिवाइस ने ठीक से काम करना बंद कर दिया। दूसरी ओर हमारे इमर्जन थर्मामीटर ने 69.6 डिग्री सेल्सियस रीडिंग दिखाई। हमारे गाइड को डर था कि कहीं हम रेत के बीचों बीच फंस ना जाए, इसलिए वो जल्दी से गाड़ी से निकलकर हमारे पास आया। I'm gonna pass these dunes and then I pick you up there because the car should be lighter. जैसे जैसे हम रेगिस्तान के बीचों बीच जा रहे हैं, हमारी हालत खराब होती जा रही है। वहाँ कालूटस हैं, जो हमने पहले कहीं भी नहीं देखे हैं। We need to be very careful near the sandstones because we got stuck immediately. Should be very careful and drive very good. यहाँ सांस लेना और निकलना बहुत मुश्किल है। मेरा पूरा मुंह सूख चुका है। थर्मामीटर की रेड लाइट एक तरफ अटक चुकी है, ये बिल्कुल भी हिल नहीं रही है, इसलिए हम अभी माप नहीं सके हैं। ये दिखा रहा है कि यहाँ का तापमान 50 डिग्री से भी अधिक है। हमारे पास एक लेजर थर्मामीटर भी है, लेकिन अब ये काम नहीं कर रहा है। ये एक इमर्जन थर्मामीटर है। यहाँ का तापमान 52 डिग्री सेल्सियस है। हमारे गाइड के मुताबिक हमें और भी आगे जाना है, लेकिन हम यहाँ पर ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहे हैं। खिड़की खोलने पर हवा हमारे चेहरे पर ऐसे आ रही है जैसे कोई हॉट ड्रायर हो। यहाँ की धरती जलते हुए तवे की तरह है। यहाँ का माहौल एक ओवन की तरह है। हमने इसे खोला ताकि हमें थोड़ी ठंडक मिल सके, लेकिन ऐसे हमें और भी तकलीफ हो रही है। ऐसा लगता है कि जैसे गर्म हवा हमारा गला घोट रही है। हवा का तापमान और धरती का तापमान दोनों अलग अलग चीजें हैं, जबकि धरती का तापमान सूरज को सोखने वाली रेत के वैल्यूज के बारे में बताता है। हवा का तापमान रेत से कम 1.5 मीटर के ऊपर हवा की वैल्यूज के बारे में बताता है। आमतौर पर धरती का तापमान हवा के तापमान से अधिक होता है। भाई
because of this fact. So, hey, look, my shoe is melted. My feet feel like burning. हमारे दोस्त का जूता जमीन पर कदम रखते ही पिघल गया। इसकी लेयर खराब हो चुकी है। जमीन का तापमान लगभग 70 डिग्री है। कैमरे का इस्तेमाल नहीं पड़ने पर हम इसे हमारे पानी की बोतलों के साथ रेफ्रिजरेटर में डाल देते हैं ताकि इसे उच्च तापमान से बचाया जा सके, नहीं तो वो लगातार बंद हो रहा है। हमारे फोन भी बीच बीच में बंद हो रहे हैं। भले ही मैं अपने साथ 2 लीटर का वाटर बैग लेकर चलता हूँ और उसे बार बार भरता रहता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी प्यास नहीं बुझ रही है। अभी दोपहर के 2:15 बजे हैं और हम इस अनंत रेगिस्तान की ओर बढ़ रहे हैं। देखते हैं कि हम कितना आगे जा पाते हैं। रेगिस्तान के नजदीक वेस्ट मेकम ऊंचाई वाली जगह है जिसकी ऊंचाई 150 मीटर तक है और ये तेज हवाओं के संपर्क में आती है। हवा के कटाव से कलुत स्ट्रक्चर्स बनते हैं जो 150 मीटर तक ऊंचे होते हैं और कई किलोमीटर की दूरी से देखे जा सकते हैं। ये क्षेत्र 75 मीटर ऊंचे समानांतर टीले और अन्य जियोक्लाइमेटिक स्ट्रक्चर्स के साथ यार्डक भी मौजूद है। हालांकि यहाँ हवा तेज है, रेत से जलन पैदा हो रही है। मुझे ऐसे खड़े रहने में भी बहुत दिक्कत हो रही है क्योंकि धरती पर मौजूद रेत मेरे पैरों को जला रही है। हाई हील वाले स्नीकर्स पहनने के बाद भी मुझे मेरे पैरों में गर्मी महसूस हो रही है। मेट्रोलॉजी स्टेशन द्वारा छाया वाले क्षेत्रों में तापमान को मापा जाता है। यहाँ कोई मौसम केंद्र नहीं है, हम इसे अपने तरीके से मापेंगे। इसके लिए हम छाया भी बनाएंगे। कलुटस के पास छाया में जहाँ तेज हवाएं चल रही हैं, हमें 52 डिग्री का तापमान नहीं दिखा जो हमने 1 घंटे पहले सूरज के नीचे देखा था। आप देख सकते हैं कि अभी तापमान 47.3 डिग्री है, लेकिन अभी जो हवाएं चल रही हैं, वो बाद में जाकर रेतीले तूफान में बदल सकती हैं। हवा से हमारे होंठ सूख जाते हैं और हमारी प्यास बढ़ जाती है। रेत से रिफ्लेक्ट हो रही सूरज की किरणों की वजह से हमें देखने में और भी दिक्कत हो रही है। ये और भी बदतर है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अंधा हूँ। यहाँ बहुत रोशनी है और ग्लासेस की सख्त जरूरत है। इसके बिना आसपास देखना वाकई में बहुत मुश्किल है। ये रेतीले तूफान के दौरान साइट से भी बचाता है, लेकिन ये सबसे गर्म जगह नहीं है। हम अब तक सबसे गर्म जगह पर नहीं पहुँचे हैं। मेरे ख्याल से वहाँ का तापमान यहाँ के तापमान से 5 से 6 डिग्री ज्यादा है। 50 डिग्री सेल्सियस के बाद प्रत्येक बढ़ती डिग्री को झेलना बहुत मुश्किल बन जाता है। मेटल से बनी चीजों को पकड़ना नामुमकिन हो जाता है और यहाँ तक कि कुछ वस्तुएं तो पिघल भी सकती हैं। तापमान का 50 से 51 तक बढ़ना और 30 से 31 तक बढ़ना बहुत अलग है। ये सहने की शक्ति को भी पार कर देता है। समय के आगे बढ़ने के साथ साथ हवा की तीव्रता भी बढ़ती जाती है। ये रात में रेतीले तूफान आने का संकेत है। लाल बादलों के बीच यहाँ अंधेरा छा जाने के बाद समुद्र के गरजने जैसी आवाज हर जगह सुनाई देती है। घंटों चिंता में आप जमीन पर पड़े रहते हैं बिना हिले डुले, निराशा में। एक रेतीला तूफान हो सकता है। हम आखिरकार छाया की ठंडक में थोड़ी सांस ले सकते हैं। अब हम रेत पर खाना गर्म करने जा रहे हैं। जमीन से आने वाले 70 डिग्री सेल्सियस तापमान की मदद से हमने हमारा खाना खाया। शुक्रिया। हम सभी छाव में आराम कर रहे हैं और इस वक्त दोपहर के लगभग 3:30 बज रहे हैं। हम सब बहुत थक चुके हैं। ऐसा लग रहा है जैसे सूरज ने हमारी पूरी शक्ति ही खींच ली हो। हम एक लोकल ईरानी डिश खा रहे हैं जिसे हुरमा सेब्जी भी कहा जाता है। मैं उस जमीन पर कदम रख रहा हूँ जिस पर शायद ही मानव जाति ने कभी कदम रखा होगा। ये एक बहुत ही जबरदस्त एहसास है। लोग अक्सर रेगिस्तान की इन गहराइयों में नहीं जाते हैं। यहाँ शायद बहुत कम लोग आते हैं। हम कलुत के पास ही खड़े हैं। हमें यहाँ दीवारें दिखाई दे रही हैं। देखो ये कैसे बना हुआ है। ये बहुत ही सख्त और बहुत बड़ा है। अब हमें वापस अपने कैंप साइट पर जाना है। हमारा सारा पानी खत्म हो चुका है। हमारे पैरों के निशान लगभग गायब हो गए हैं। ये सब कुछ एक जैसा ही दिखाई देता है। हमें वो जगहें याद ही नहीं है जहाँ से गुजरे थे। हम लगभग 3 घंटे से पैदल चल रहे हैं। सूरज थोड़ा अस्त हो चुका है। तापमान भी धीरे धीरे कम हो रहा है। मेरे ख्याल से अब तापमान 45 डिग्री है। रेगिस्तान एक ऐसी सड़क है जो कभी भी खत्म नहीं होती है। जहाँ पर भी आपकी नजर जाएगी वहाँ आपको रेत से ढकी हुई हजारों सड़कें दिखाई देंगी। लेकिन जो दिशा नहीं जानते उनके लिए एक ही नियति होती है। कुछ पक्षी रेगिस्तान में प्रवेश तो करते हैं लेकिन यहाँ की तेज गर्मी को सहन नहीं कर पाते और यहीं फंस जाते हैं और आकाश से नीचे गिरकर वे इकोलॉजिकल बैलेंस बनाते हैं जिसमें ग्रासहॉपर्स और रेगिस्तानी लोमड़ियाँ शामिल हैं। आखिरकार हम वापस लौट आए और रात के रेतीले तूफान से बचने के लिए हम उत्तर की ओर कैंप लगाने की जगह ढूंढने निकल पड़े। शाम 7:30 बजे मौसम इतना ठंडा हो गया था कि हम अपनी टोपी उतार सके। उस वक्त हवा की गति भी बढ़ गई थी और हम सब यही उम्मीद कर रहे थे कि हमें रात को तूफान का सामना न करना पड़े। सौभाग्यवश हम इस उच्च स्थान पर सुरक्षित हैं और कल सफर करने से पहले सूर्यास्त का आनंद ले रहे हैं। आपको ये दिखाने के लिए कि लूट रेगिस्तान में भी जीव जंतु रहते हैं, मैंने एक लाइट ट्रैप तैयार किया है। देखते हैं कि हमें रात को कौन से जानवर देखने को मिलते हैं। इस क्षेत्र में जैव विविधता पर पाई जाने वाली जानकारी बहुत ही सीमित है, लेकिन उत्तर में बंजर वनस्पतियों के अलावा कई प्रजातियां भी देखी जा सकती हैं जिनमें रेगिस्तान
दास्तान, लोमड़ी, सांप, छिपकली, एलोरिलिस, मकड़ी, कीट और लाल रंग के डार्टर शामिल है। हालांकि कई सोर्सेज में ये विशेष रूप से कहा गया है कि गैंडोम्बेरियन में कोई भी जीवित प्राणी मौजूद नहीं है, जो कि सबसे गर्म क्षेत्र है जहां हम कल दोपहर में पहुंचेंगे। इस पेड़ को नेपका ट्री कहा जाता है। जैसा कि आप देख ही सकते हैं, इसके नीचे बहुत सारी रेत है क्योंकि यहां कई सारे रेतीले तूफान आते रहते हैं और पेड़ की जड़ में रेत जमा हो जाते हैं। ये एक तरह से इस रेत पर बड़ा हो रहा है। छोटे छोटे नेपका ट्रीज, जो कुछ पौधों की प्रजातियों में से एक है, उन्हें रेगिस्तान के प्रतिकूल स्थान में देखा जा सकता है और ये हर जगह है। वे जिन पहाड़ियों पर लगे हुए होते हैं वे उनके साथ ही बढ़ते हैं। ये कैसी जगह है जहां सालों तक ऊँटों के साथ घूमने वाले भी मुश्किल से जीवित रह पाते हैं। कुछ लेजेंड्स के मुताबिक यात्रा पूरी करते करते हफ्ते लग जाते थे और यहां तक कि ऊँट के भी घुटने कांपने लगते थे। वास्तविक दिखाई देने वाली मिराज हमेशा एडवेंचर करने वाले लोगों को भटका देती है। क्या आप कभी गर्मियों में गैंडोम्बेरियन आए हैं? No, it is very dangerous to come here in this season. It's 8 years that I'm doing in Lut Desert, but this is the first time that I'm coming here in this season. The weather is so hot and very hard. क्या कोई है जो यहाँ जून में आता हो? ऐसी अफवाह है कि गेहूं से भरे हुए एक कारवां को जमीन पर छोड़ना पड़ा था और जब वे कुछ दिनों बाद अपने ऊंट के साथ वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके गेहूं भुने हुए थे। फारसी में गैंडोम्बेरियन का मतलब होता है भुना हुआ गेहूं। आसपास के रेत के टीले और पहाड़ों की वजह से गर्म हवा जमीन में ही दबी रहती है। इसकी कम ऊंचाई हवा के बढ़ने और ठंडी होने की संभावना को कम कर देती है। इसकी सतह पर सूर्य वोल्केनिक रॉक्स के डार्क कलर को लगभग सोख लेता है। गैंडोम्बेरियन जाते वक्त हमें 2 मोटरसाइकिल के पहिए मिले। हमें कोई अंदाजा नहीं है कि इन गाड़ियों को चलाने वाले व्यक्तियों के साथ क्या हुआ होगा, जबकि सबसे नजदीकी बस्ती मीलों दूर है। कुछ यात्री यहाँ दिसंबर, जनवरी, फरवरी जैसे ठंडे महीनों में आना पसंद करते हैं, लेकिन जून, जुलाई और अगस्त के महीनों में We cannot go any further. The sun are black and the temperature is so hot. We stop here. No more further. Okay. It is dangerous to go further. Arshab ye poisara. मुझे यहाँ शूट करने के लिए बस 2 घंटे चाहिए क्योंकि मुझे पत्थरों की जांच करनी है। हम यहाँ कब तक रुके रहेंगे? Actually, to be honest, it is better to go to leave here as soon as possible. But if you want to do anything, it is not my responsibility. Just go, we go back there and we wait there for you. You go and do whatever you want and go back as soon as possible. It is dangerous to stay here more. आप अब पीछे जाएंगे? Yeah, we go back. It is very dangerous for the car to keep the car here. As you see, the stones are black and very hit, and it may flat the tires or also the damage the engine. So we go back there, wait for you. बस 200 मीटर ना? Maybe a little bit more, yeah. The temperature is so hot, and so I am trying to cool the radiator. We are here, exactly here, like 300 or 400 meters to Gandomherian. We are not allowed to go further with car. You can do this by walking. And this big hill is Gandomberian. You need to be careful. Take water with yourself and cover yourself completely. Because the weather is so dry, even if your skin will be burned and you will be heated and your body will be dehydrated and you will die, okay? Just be careful and take lots of water with yourself. Take one radio. Just in emergency cases, we need to be with each other in touch. Be careful. Your shoes should be tight and the heat maybe burn your shoes as well, okay? Check this out. Just please go back as soon as possible. As soon as did your job, go back, okay? And always should be in touch with radio. Yeah, just sure. One group, yes? Take the radio with yourself and be careful, okay? Mm-hmm. To be without any, I don't know if it is not reality. It is the reality. It is dangerous. The reality is dangerous. Go and go back soon. And the time is the maximum temperature. It's 12. Until when you go back. 1 घंटे बाद. So one is the hottest time. तो शायद 2 घंटे बाद. शुक्रिया. Bye. अलविदा। इसके बाद मेरे शरीर का कोई भी हिस्सा अब और एक्सपोज नहीं होना चाहिए। इस बीच अपने शुरुआती एनालिसिस के बाद से नासा ने हाल ही में अपने सैटेलाइट सॉफ्टवेयर का एक नया वर्जन जारी किया है, जिससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि लूट रेगिस्तान में जमीन का तापमान अब पहले से भी ज्यादा हो सकता है। जैसा कि एक अकेडमिक जर्नल बुलेटिन ऑफ द अमेरिकन मेटीरियोलॉजिकल सोसाइटी के रिसर्चर्स ने मई 2021 में अपने पब्लिकेशन में बताया था कि ऐसा माना जाता है कि लूट रेगिस्तान का तापमान वास्तव में 80.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता। हमने मांस को कार के कंसोल पर छोड़ दिया और आगे चल पड़े। हमारे पास समय और संसाधन दोनों सीमित हैं, इसलिए हमें तेजी और समझदारी से आगे बढ़ना होगा। दोस्तों, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? Yes, sir. मैं हर 10 मिनट में तुम्हें रिपोर्ट करता रहूंगा। Every 10 minutes, okay.
यहाँ कहीं पर भी छाया नहीं है। हर जगह बड़े और छोटे पत्थरों और बेसाल्टिक रॉक से घिरी हुई है। ये पत्थर इतने गर्म होते हैं कि कोई भी व्यक्ति इन्हें अपने हाथ में नहीं पकड़ सकता है। ओ। ये जगह बहुत ही अजीब है। इस जगह का एक बहुत बड़ा हिस्सा पृथ्वी से ज्यादा मंगल की सरफेस जैसा लग रहा था। हमें ऐसा लग रहा था मानो जैसे हम किसी दूसरे ग्रह पर आ गए हों। अब हम इस धरती की सबसे गर्म जगह पर खड़े हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। मैं नहीं जानता कि हम यहाँ कितने समय तक जिंदा रह सकते हैं। यहाँ हर जगह बहुत गर्मी है। मुझे अपने पैरों में गर्मी महसूस हो रही है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ मैं अपना पैर रखूं और वो जगह काली हो और काली सतह पूरी तरह से जल रही है। आप आगे की ओर पहाड़ों को देख सकते हैं। इसके आगे और भी पहाड़ हैं। देखो, वो वाली जगह ऐसी लग रही है जैसे वहाँ आग जल रही हो। हालांकि मैं नहीं जानता कि आप गर्मी को बढ़ते हुए देख पा रहे हैं या नहीं, क्योंकि ये जगह पहाड़ों से घिरी हुई है और पहाड़ गर्म हवा को फंसा देते हैं। इसलिए गर्म हवा बिल्कुल भी बाहर नहीं जा पाती। इसलिए यहाँ बहुत गर्मी होती है। चट्टानों का रंग और बेसाल्ट स्ट्रक्चर प्राकृतिक रूप से सूर्य के किरणों को अधिक सोखते हैं। ये जगह नर्क से कम नहीं है। चलो थोड़ा आगे चलकर तापमान चेक करते हैं। सूखी सतह का उच्च तापमान किसी भी व्यक्ति की पूरी सहन शक्ति और ताकत को खींच लेता है। यहाँ तक कि कैक्टस जैसे पौधे भी यहाँ नहीं उगते हैं। ऐसा कई सोर्सेज में बताया गया है कि इस जगह पर कोई भी जीवित प्राणी नहीं रह सका है। ऐसा माना जाता है कि इन बेसाल्ट रेमिनेंट्स का निर्माण लगभग 2 मिलियन साल पहले हुई मैग्नेटिक एक्टिविटी की वजह से हुआ था और लावा में गैस निकलने के परिणाम स्वरूप पत्थरों में छेद बन गए थे। हम अनऑफिशियली धरती पर आज तक मापे गए सबसे हाईएस्ट तापमान में से एक को मापने जा रहे हैं। यहाँ गलती से भी किसी व्यक्ति को अकेला छोड़ देने का मतलब उसकी मौत है। अगर अभी हमारे दोस्त चले जाते हैं तो हम कभी भी यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। हम इस वक्त एक ऐसी जगह पर हैं जहाँ कोई भी व्यक्ति सर्वाइव नहीं कर सका है। इंटरनेट पर ऐसे कई आर्टिकल हैं जिनका कहना है कि गैंडोम बेरियन में कोई जीवित प्राणी नहीं रहता है। हम इस वक्त धरती की सबसे गर्म जगह पर खड़े हैं, वो भी सबसे गर्म मौसम में और दिन के सबसे गर्म समय में। मुझे बड़ी समझदारी से अपने पानी का इस्तेमाल करना होगा। अब मैं जमीन से लगभग 1 मीटर की ऊंचाई पर तापमान चेक करूंगा और ऐसा मुझे छाया में करना होगा। इसलिए हम अपने साथ एक छाता रखते हैं। ये हमारे लिए नहीं है। यहाँ हवा चल रही है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ ठंड है, क्योंकि यहाँ हवा आग की तरह महसूस होती है। इसलिए मैं अपने पूरे शरीर में गर्मी महसूस कर सकता हूँ। हम जिस भी मेटल को छू रहे हैं वो बिल्कुल आग की तरह महसूस हो रहा है। इसलिए ये छाता ब्लैक कलर का नहीं है। मैं चाहता हूँ कि ये मेजरमेंट निष्पक्ष हो। सच में मेरे पैर बहुत जल रहे हैं। अब आप एक जगह खड़े होकर इंतजार करते हैं तो गर्मी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। सबसे पहले आइए जमीन के तापमान को चेक करें। मेरे पैर अभी भी जल रहे हैं। ये ठीक से काम नहीं कर रहा है। ये तापमान को माप तो सकता है लेकिन गर्मी में नहीं। हम थर्मामीटर को ठंडे पानी के पास में रखेंगे, इसे थोड़ी देर ठंडा होने देंगे और फिर दोबारा से कोशिश करेंगे। सही मेजरमेंट लेने के लिए मैंने इसे लगभग 1 मिनट के लिए छाया में रखा। मेरी हालत ऐसी है कि मैं कुछ भी बोल नहीं पा रहा हूं। ये वैसे भी काम नहीं कर रहा है। इसमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें लिखा है आईफोन का इस्तेमाल करने से पहले इसे कूल डाउन करने की जरूरत है। अब हम सीधे सूरज के नीचे इसका तापमान चेक करेंगे। हम जो कुछ भी महसूस करते हैं वो सूरज के नीचे हवा का तापमान होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ कोई छाया नहीं है, कोई छिपने की जगह नहीं है। सूरज की रोशनी की वजह से मेरा पूरा शरीर जल रहा है। मुझे बोलने में भी दिक्कत हो रही है और मेरे सिर में भी बहुत दर्द हो रहा है। ये हवा का तापमान 54 डिग्री सेल्सियस के आसपास दिखा रहा है। आइए इससे सरफेस का तापमान चेक करें। दोस्तों लगभग 30 मिनट बीत चुके हैं और हम ठीक हैं। Roger that. क्या वहाँ सब कुछ ठीक है? Everything is okay here, but the temperature... High. मैं अपने ऊपर सूर्य की तीव्रता को महसूस कर सका हूँ। मैंने ध्यान दिया कि मेरे दिल की धड़कन भी बढ़ रही है। मैं कांप रहा हूँ। यहाँ पर लगभग 1 घंटा बिताने के बाद ही हमारे शरीर कांपने लगे। मैं बात नहीं कर सकता। मैं बहुत थक गया हूँ। मेरे में अब और ताकत नहीं है। मुझे बहुत बार ब्रेक लेनी होगी। वाटर ब्रेक। कैमरा इतना गर्म हो गया कि मैं बिना ग्लव्स के इसे 3 सेकंड भी पकड़ नहीं सकता। कोई भी चीज जो मेटल की नहीं वो भी अभी आग की तरह गर्म होने लगी है। क्या तुमने अपने ग्लव्स उतार दिए हैं? My hands shaking, but the place where I touched camera are red and hurting. बिना चश्मे के इतनी चमक है। मैं इस तरह कभी वॉक नहीं कर सकता। मैं अब कुछ अलग आजमाने जा रहा हूँ। एरर दिखा रहा है। लगता है ये फिर से खराब हो गया है। मुझे दोबारा से अपने ग्लव्स पहनने होंगे। ये काम कर रहा है। इधर 68.6, 69.2। नासा ने जिस तापमान के बारे में बताया था हम उसके काफी करीब हैं। ये रेतीले तूफान का संकेत हो सकता है। यहाँ तूफान आते जाते रहते हैं। हेलो, मैं यहाँ हूँ। क्या तुम मुझे सुन सकते हो? Yeah, can you hear me? हाँ, हम सब ठीक है। कोई चिंता की बात नहीं है। अभी अभी यहाँ से एक रेतीला तूफान गुजरा था और हम उसे शूट कर रहे थे, इसलिए मैं तुम्हें जवाब नहीं दे पाया। Remember that you are
are the only person who gets there in this season, in this time, in this day. आइए इसके तापमान पर एक नजर डालें। ये काम नहीं कर रहा है, ये भी खराब हो गया है। हाँ, ये हिस्सा गर्मी का सामना कर सकता है, लेकिन ये हिस्सा जहाँ इसका मैकेनिज्म है वो भी जमीन पर था। मुझे लगता है कि ये गर्मी की वजह से खराब हो चुका है। ये टिकाऊ नहीं है, ये भी खराब हो गया। लेजर थर्मामीटर भी एरर दे रहा है और काम नहीं कर रहा है। मर्क्यूरी थर्मामीटर का लिक्विड ऊपर की तरफ चिपक गया है, ये भी काम नहीं कर रहा है। इमर्जन थर्मामीटर भी खराब हो गया है। Haven't your feet got burned? हाँ, वे जल रहे थे। ये देखते हुए कि चाय या कॉफी को लगभग 70 डिग्री सेल्सियस पर परोसा जाता है, तो ये अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है कि बिना जूतों के जमीन पर कदम रखने का क्या नतीजा होगा। 23 जून को सरफेस का तापमान 69.2 डिग्री सेल्सियस था, छाया में हवा का तापमान 48.5 डिग्री सेल्सियस था और सूर्य के नीचे 54.1 डिग्री सेल्सियस था। नासा ने स्पेस से धरती से निकलने वाली गर्मी को स्कैन करके और इंफ्रारेड का निर्धारण करके सरफेस तापमान को 70.7 डिग्री सेल्सियस बताया था। इससे लूट रेगिस्तान ने एक रिकॉर्ड कायम कर लिया था। ये मेजरमेंट एक स्क्वायर किलोमीटर तक के क्षेत्र तक हो सकते हैं। वे इन क्षेत्रों में एवरेज तापमान वैल्यूज को माप लेते हैं। उनका रेजोल्यूशन परफेक्ट नहीं होता है। किसी अथॉरिटी को सही समय पर यहाँ आना चाहिए, मेटियोरोलॉजिकल स्टेशन स्थापित करना चाहिए, तापमान की माप लेनी चाहिए और 1913 में डेथ वैली में स्थापित 56.7 डिग्री सेल्सियस के एयर तापमान रिकॉर्ड को अपडेट करना चाहिए, क्योंकि दुनिया भर में तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये रिकॉर्ड अब एक्सपायर हो गया है। अगर आपको याद हो तो मैंने अपना फोन जमीन पर ही छोड़ दिया था। जब मैंने इसे जमीन से उठाया तो मैंने देखा कि उसके किनारों पर लगा हुआ प्लास्टिक जल चुका है, लेकिन नीचे की तरफ ज्यादा निशान नहीं है। जब मैंने इसे जमीन पर रखा तो नीचे की तरफ से ये थोड़ा ऊपर रह गया और इसके किनारों से पत्थर को छुआ, वो साइड भी जल गई। देखो, मेरे पैर जल रहे हैं। हम एक और रेतीले तूफान का पीछा कर रहे हैं। उस समय हमने कुछ ऐसा देखा जिसकी हमने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। ये दावा किया गया था कि यहाँ कोई भी जीवित प्राणी नहीं है, लेकिन ये दरअसल सच्चाई नहीं है। मैंने इसे यहाँ पहली बार अनुभव किया है। ये जून का महीना है और लगभग दोपहर के 2 बज रहे हैं और आप यहाँ एरेमिया फिला की एक प्रजाति देख सकते हैं। कई लोग इसे प्रेइंग मेंटिस भी कहते हैं। मुझे एक मरा हुआ ग्रास ऑफर भी मिला है। ये इतना सूखा है कि मैं इसे तोड़ना नहीं चाहता। Rui, you look aged. You consumed all the energy over there. Oh. It's time to cool down. So I'm checking his body temperature, 37.7, 132. मैं भूल ही गया, मांस कैसा है? मैंने वहां पर एक मांस का टुकड़ा रखा था। सामने वाला हिस्सा पका हुआ है, पिछला हिस्सा भी सही लग रहा है। ये बहुत गर्म है, ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने इसे सीधे तवे से निकाला हो। बीच वाला हिस्सा थोड़ा और पका हुआ होना चाहिए। 2 घंटे में ये इतना पक चुका है। क्या ये देखकर तुम्हें हैरानी हुई? Yes, I'm surprised. तो इसका मतलब है कि हम तब एक मिथ तोड़ रहे हैं। जानवर वास्तव में गैंडोम्बेरियन में रहते हैं। यहाँ पर आने से हमें पता चला कि इंटरनेट पर जो कार के गर्मियों में पिघलने के वीडियो थे वो सब फिक्शनल थे। यहाँ तक कि इस जगह पर भी कार के पार्ट्स एक दिन में नहीं पिघल सकते, शायद एक हफ्ते में, लेकिन एक दिन में नहीं। क्या हुआ, तुम्हारी नाक से खून क्यों बह रहा है? So the first minute, because the fuel is so hot, as you see, my hand is burned. I brought some gloves here to touch the steering wheel for first 5 minutes. We will go out of here. अपनी अनोखी टोपोग्राफी के दम पर इस जगह को साल 2016 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था। हम बहुत मुश्किल से बनाए गए डॉक्यूमेंट्री एपिसोड के अंत में आ चुके हैं। हमने सरफेस तापमान के 70 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होने पर अपना बेस्ट दिया है। मैं अहमद सीनेट को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। ट्रिप के दौरान हर समय उन्होंने मेरा साथ दिया। उन्होंने मुझे अपनी स्किल जैसे कि प्रकृति में जीवित रहने और शेल्टर बनाने के साथ गाइड करके इस डॉक्यूमेंट्री को भी शूट करने में मदद की। उन्होंने लूट रेगिस्तान में एक वीडियो भी शूट किया है और रेगिस्तान के दूसरी तरफ की कई सारी तस्वीरें भी खींची है जिसका जिक्र इस वीडियो में नहीं किया गया है। उन्होंने हमें सिखाया कि अगर कोई लूट रेगिस्तान के बीच में फंस जाए, जो कि इस धरती पर सबसे गर्म जगह है और जिसका तापमान 2400 घंटे 70 डिग्री रहता है, तो उसे क्या करना चाहिए। बिना किसी मदद के 70 डिग्री से भी ज्यादा तापमान होने पर रेगिस्तान से कैसे निकलना चाहिए, इस दौरान क्या होता है, आपको ये स्पेशल वीडियो जरूर देखना चाहिए जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप यहां क्लिक करके उनके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उसके बाद आप यहां क्लिक करके उनका वीडियो देख सकते हैं जो कि इस डॉक्यूमेंट्री की अगली कड़ी में है। मिलते हैं उनके वीडियो में। अलविदा। रूही चैनत यहाँ पर था।